सो नाउ लेट अस सी एनिमेशन इन फ्लैश चैप्टर 9। तो हम यहाँ पर देखेंगे चैप्टर 9 में कि हम फ्लैश में किसी ऑब्जेक्ट को कैसे एनिमेट कर सकते हैं। सो एज यू ऑलरेडी नो, एनिमेशन इज द इल्यूजन ऑफ मूवमेंट्स क्रिएटेड बाय डिस्प्लेइंग ए सीरीज ऑफ पिक्चर्स इन ए सीक्वेंस वेरी क्विकली। सो नॉर्मली ईच पिक्चर इज ओनली स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। All contents of animations are organized into the timeline in Flash. So now let us see about the symbols and instances. A symbol is a reusable object used created in Flash. A symbol can be reused throughout your movie. एक symbol एक reusable object होता है Flash में, और इस symbol को हम पूरी movie में reuse कर सकते हैं. So now let us see the types of symbols. अब हम symbols के types देखते हैं यहाँ पर. Graphic symbol. In an animation, normally we have a background against which we animate other objects. So graphic symbols are the most basic types of symbols and are mostly used to create backgrounds. So animation में हम यहाँ पर background में दूसरे objects को animate करते हैं. So graphic symbols यहाँ पर basic types हैं symbols के, और ज़्यादातर use होते हैं backgrounds को create करने में. Next one is the button symbols. A button symbol adds interactivity to the movie and responds to the mouse clicks. तो button symbol mouse click को responds करते हैं और movie में interactivity को add करते हैं. And movie clip symbols can contain sounds, videos, graphics and interactive controls. A movie clip symbol can consist of a flash movie within a flash movie. So movie clip symbols जिसमें sounds, videos और graphics और interactive controls होते हैं. तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट टू ए सिंबल, के हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट को सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसके लिए हम फ्लैश को ओपन कर लेते हैं एंड वी आर क्लिकिंग ऑन फ्लैश फाइल एक्शन स्क्रिप्ट 3.0. तो स्क्रीन पर आपके एक एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 ओपन हो गया है. सो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए या सिंबल बनाने के लिए हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं लाइक स्टार. तो हम यहाँ से पॉली स्टार सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ ऑप्शंस पे क्लिक करके प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में पॉलीगॉन से स्टार ले लेते हैं. ओके करते हैं. यहाँ पर हम स्ट्रोक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी, और एक बैकग्राउंड कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं एक स्टार. ये हमारा स्टार ड्रॉ हो गया है. सो इसे सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे और मॉडिफाई मेन्यू में क्लिक करेंगे, और यहाँ ऑप्शन आप देख रहे हैं कन्वर्ट टू सिंबल, और साथ ही आप F8 प्रेस करके भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं सिंबल में. सो क्लिक ऑन द कन्वर्ट टू सिंबल, और यहाँ पर आप देख सकते हो कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है. तो यहाँ पर नेम है सिंबल 1, आप नेम भी चेंज कर सकते हैं, और हमें ऑप्शन ग्राफिक पर यहाँ सेलेक्ट करना है और ओके पर क्लिक कर देना है. तो हमारा ये ऑब्जेक्ट सिंबल में क्रिएट हो जाएगा, और आप देख सकते हैं ये लाइब्रेरी में भी स्टोर हो गया है हमारा सिंबल 1 नेम से. तो यहाँ पर लाइब्रेरी ऑलरेडी ओपन है, और अगर लाइब्रेरी यहाँ पर ओपन नहीं है तो आप कंट्रोल और एल को प्रेस करके लाइब्रेरी को ओपन कर सकते हैं, और अदरवाइज यहाँ पर विंडोज़ मेन्यू में जाकर आप लाइब्रेरी ऑप्शन पर क्लिक करके भी लाइब्रेरी ओपन कर सकते हैं. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंस्टेंसेस. एन इंस्टेंस इज अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल सिंबल विच वी ड्रैग फ्रॉम द लाइब्रेरी टू द स्टेज. तो आप लाइब्रेरी में जो सिंबल देख रहे हैं वो एक कॉपी है ओरिजिनल सिंबल की. सो इसलिए यहाँ पर इंस्टेंस इज अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल सिंबल विच वी ड्रैग फ्रॉम द लाइब्रेरी टू द स्टेज. Now let us see about the timeline, frames and keyframes. So a timeline organizes the contents of animation. Timeline में animation के contents organize होते हैं. A frame holds the contents at a particular moment. हर एक frame contents को hold करता है, यानी हर एक particular moment के contents को store करता है. सो की फ्रेम्स आर दोज फ्रेम्स वी आर मेजर चेंजेस इन एनिमेशन टेक प्लेस. तो की फ्रेम्स ऐसे फ्रेम्स होते हैं जहाँ पर एनिमेशन में मेजर चेंजेस होते हैं.
So a blank keyframe is a keyframe without any object in it but having all characteristics of a keyframe. तो एक ब्लैंक की फ्रेम एक सो एक ब्लैंक की फ्रेम एक ब्लैंक की फ्रेम होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है लेकिन की फ्रेम के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होते हैं. कहते हैं लेयर्स. द मेन पर्पस ऑफ लेयर्स इज टू प्रोवाइड सेपरेट टाइमलाइन फॉर ऑब्जेक्ट्स. तो लेयर का मतलब यहाँ पर ये है कि एक सेपरेट टाइमलाइन प्रोवाइड करना ऑब्जेक्ट्स को, यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए आप एक अलग अलग टाइमलाइन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं लेयर्स के थ्रू. यूजिंग द लेयर्स यू कैन कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स एनिमेशंस इंडिपेंडेंटली इन सेपरेट लेयर्स. तो यहाँ पर आप हर एक लेयर पर ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अफेक्ट किए. सो इंसर्टिंग ए न्यू लेयर. न्यू लेयर को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन इंसर्ट लेयर और इस पर आप क्लिक करेंगे तो हमारी यहाँ पर एक लेयर इंसर्ट हो जाएगी. ऐसे आप जितनी चाहे उतनी लेयर इंसर्ट कर सकते हैं. रीनेमिंग लेयर, किसी भी लेयर को रीनेम करना है यानी आपको नाम चेंज करना है तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसे रीनेम कर देंगे. डिलीटिंग ए लेयर, लेयर को डिलीट करने के लिए कोई भी लेयर जो आपको डिलीट करनी है सेलेक्ट करेंगे हम उसे और यहाँ डिलीट लेयर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारी लेयर डिलीट हो जाएगी. सो टाइप्स ऑफ एनिमेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमेशन इन फ्लैश, फ्रेम बाय फ्रेम एंड ट्विंड. तो यहाँ पर दो तरह के एनिमेशन है, फ्रेम बाय फ्रेम और ट्विंड एनिमेशन. सो इन फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन दिस इज द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ द एनिमेशन. सो वी नीड टू ड्रॉ एवरी फ्रेम ऑफ एनिमेशन डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट फ्रेम बाय फ्रेम इन ग्रेट डिटेल. तो यहाँ पर ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ एनिमेशन में यानी फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में हम हर एक फ्रेम पर एक एनिमेशन क्रिएट करते हैं. इस तरह से अलग अलग फ्रेम में हम एनिमेशन के हर एक मूवमेंट को क्रिएट करते हैं. और नेक्स्ट है यहाँ पर ट्विंड एनिमेशन. ट्विंड एनिमेशन यू ओनली क्रिएट द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग फ्रेम्स एंड लेट फ्लैश क्रिएट रेस्ट ऑफ द इन बिटवीन फ्रेम्स. ट्विंड एनिमेशन में आप सिर्फ स्टार्ट और एंड फ्रेम को क्रिएट करते हैं, बाकी का सारा काम फ्लैश खुद से ही कर देता है. सो नाउ लेट अस सी अबाउट द मोशन ट्विनिंग. मोशन ट्विन में हम एक शेप की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं जैसे पोजीशन, साइज और एक पॉइंट पर डिफाइन करके उसे हम अगले पॉइंट पर चेंज करते हैं और बाकी सारा काम फ्लैश का होता है एनिमेशन क्रिएट करने में. सो नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन क्रिएट द मोशन ट्विनिंग. तो उसके लिए सबसे पहले हम टूल बॉक्स से ओवल शेप ले लेते हैं और यहाँ पर फिल कलर को सेट कर लेते हैं और साथ ही स्ट्रोक कलर को भी हम सेट कर लेते हैं और स्ट्रोक कलर के साइज़ यानी थिकनेस को हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं और एक ओवल या सर्कल को हम ड्रॉ कर लेते हैं. तो आप देख सकते हैं ये सर्कल ड्रॉ हो गया है लेकिन इस सर्कल को, इस शेप को हमें सिंबल में चेंज करना है. तो इसके लिए हम सबसे पहले टूल से सिलेक्शन टूल ले लेंगे और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे. उसके बाद मॉडिफाई मेन्यू में जाके इसे सिंबल में कन्वर्ट कर लेंगे हम. इसे यहाँ पर हमें ग्राफिक में कन्वर्ट करना है और ओके पर हम क्लिक कर देंगे. तो हमारा ये सिंबल ग्राफिक में चेंज हो गया है. अब हम यहाँ 50th फ्रेम पर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके एक ब्लैंक की फ्रेम सॉरी एक की फ्रेम इंसर्ट कर लेंगे यहाँ पर. और अब हम इस शेप को राइट साइड में मूव करेंगे और अब हम इस स्पैन में मतलब फ्रेम 1 से लेके 50 के बीच में कहीं पर भी क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर से ट्वीन ऑप्शन में हम मोशन पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल मेन्यू में जाकर टेस्ट मूवी करेंगे. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोशन ट्विनिंग हमारी यहाँ हो गई है. ओके तो अब हम यहाँ पर देखते हैं मोशन ट्विनिंग अलोंग ए पाथ. एक पाथ ड्रॉ करके आप उस मोशन को अपने अकॉर्डिंग ट्विन कर सकते हैं. तो नाउ लेट अस सी. तो हमारे पास पहले से ये एनिमेशन यानी मोशन ट्विन क्रिएट है. तो इसके लिए अब हम यहाँ पर मोशन अलोंग ए पाथ क्रिएट करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर ऐड मोशन गाइड पर क्लिक करेंगे.
तो हमारे यहाँ पर गाइड लेयर यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। अब हम यहाँ पर इस लेयर में पेंसिल टूल लेकर ड्रॉ करेंगे एक पाथ। तो आप कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कैसा भी ड्रॉ कर सकते हैं आपका शेप या ऑब्जेक्ट उसी पाथ में मूव होगा। तो ये हमने पाथ ड्रॉ कर लिया है। अब हम इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पर हमने ट्वीनिंग करी थी, और हम यहाँ पे फर्स्ट की फ्रेम को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस शेप को यहाँ पर ले आते हैं। अब हम यहाँ पर 50th की फ्रेम सिलेक्ट करते हैं और इसको ले आते हैं हम यहाँ एंड पॉइंट पर। और अब हम मूवी को टेस्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा मोशन अलोंग ए पाथ ये ट्वीनिंग हो गया है। तो जो हमने पाथ बनाया था अब हमारा शेप उसी पाथ के अकॉर्डिंग मूव हो रहा है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर शेप ट्वीन। तो शेप ट्वीनिंग यू कैन क्रिएट एन इफेक्ट सिमिलर टू मॉर्फिंग मेकिंग वन शेप अपीयर टू चेंज इनटू अनदर शेप ओवर टाइम। तो शेप ट्वीनिंग में हम यहाँ पर एक शेप से दूसरे शेप में उसे चेंज करेंगे। सो नाउ लेट अस सी कि हम शेप ट्वीनिंग कैसे कर सकते हैं। तो शेप ट्वीनिंग के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक शेप को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम उसी ओवल शेप को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो ओवल शेप हमारा ड्रॉ हो गया है। और अब हम यहाँ पर 50th फ्रेम को यहाँ सेलेक्ट करते हैं और एक ब्लैंक की फ्रेम को ऐड कर देंगे। इस बार हमें ब्लैंक की फ्रेम ऐड करना है, ठीक है। इस ब्लैंक की फ्रेम को ऐड करने के बाद हम यहाँ पर एक दूसरा शेप ड्रॉ कर लेंगे जो कि होगा एक रेक्टेंगल। चाहे तो हम यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और हम ड्रॉ कर लेते हैं एक रेक्टेंगल को। अब यहाँ पर हम इस फ्रेम स्पैन फ्रेम 1 और 50 के बीच में क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में ट्वीन ऑप्शन शेप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। Now let us see shape tweening with text strings. To create shape tweening between two text strings, click on text tool from the toolbox. Adjust the size of the text. Now enter the text in the text box. Select the text to change the color. Change the font color from Property Inspector. Click on Modify menu and select Break Apart option. Each letter of the text string changes into the individual text block. Now select the Modify menu and select Break Apart option again. Select the 50th frame on timeline and insert a blank keyframe. Click on text tool from the toolbox. Now enter the text in the text box. Click on Modify menu and select Break Apart option. Now select the Modify menu and select Break Apart option again. Click anywhere in between frame 1 to 50. From Property Inspector, select Shape Tween option.
Now test the movie by pressing Ctrl plus Enter.